हेलो अभिमन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, स्वागत है आपका डे 10 ऑफ यूपीएससी 2024 आंसर राइटिंग में। और जैसे कि आपको पता है कि हम अभी तक जो 10 मार्क्स के 150 वर्ड्स में लिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको कल तक पूरा कर चुके हैं। अब से जो हम क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे, उनकी वर्ड लिमिट रहेगी 250 और उनके मार्क्स इंक्रीज होकर 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से एक जो है थोड़ा सा टिपिकल टास्क के लिए हो जाएगा, क्योंकि 250 वर्ड्स में हमको थोड़ा लिखना है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की वीडियो की, आज के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि इसमें हिस्ट्री यानी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट रहता है, मॉडर्न इंडिया रहता है, फिर ज्योग्राफी रहता है, सोसाइटी रहता है। तो क्योंकि वे छोटे क्वेश्चन भी एक सीक्वेंस में पूछता है, और यहाँ अब फिर से आ जाएगा आपका आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, और वही सब रिपीट करेगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जो कि कहता है, जो कि आर्ट एंड कल्चर से है, आर्ट एंड कल्चर। और क्वेश्चन है, चलिए पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, हालांकि मान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें गर्व से याद किया जाता है। देखिए, आपको पता है कि जो चोल शासक है, चोल वंश है, चोल साम्राज्य है, वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत का एक साम्राज्य हुआ करता था प्राचीन काल में। और इस साम्राज्य ने बहुत सारे मंदिर निर्माण, वास्तुकला, मूर्तिकला, इन सब में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इनका जो बनाए गए मूर्तिकला है या मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, ठीक है, और अन्य भी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, वो आज भी रिलेवेंट हैं तमिलनाडु की संस्कृति में या दक्षिण भारत में हमको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि ये जो साम्राज्य था, ना केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, श्रीलंका हुआ, इधर आपका इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ तक ही लोग जाते थे अपना, यानी व्यापार वगैरह करते थे। तो उसी के बारे में हमको इस क्वेश्चन में लिखना है। लिखने का थोड़ा कंटेंट अब थोड़ा बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इसमें मैप वगैरह का प्रयोग भी करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन की। तब तक आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए